जोधपुर के सिलफिली गांव में सब्जियों का उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बाजारों में सब्जियों की मांग में भारी गिरावट देखी गई है, जो किसानों के लिए बेहद चिंता की बात है। खेतों में भारी मात्रा में सब्जियां हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे सब्जियां खेतों में ही सड़ रही हैं। किसान इन सब्जियों को अपने मवेशियों को खिला रहे हैं। मैं इससे पहले फास्ट फूड का ठेला लगाता था, ठेला बंद हो जाने के बाद मैं रोजी रोटी चलाने के लिए अभी सब्जी भाजी लेके बैठा हूँ। रोड में कोई आदमी पहले जैसे आवागमन भी नहीं है, इसमें भी लाले पड़ गए, कोई कमाई का कोई स्थिति ही नहीं। खेती को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग फसल लगाते हैं बेचने के लिए, कहीं बिक नहीं पा रहा है और कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं है, कहीं कोई खपत नहीं है। हम लोग को मजबूरन मवेशी को खिलाना पड़ रहा है, फेंकना पड़ रहा है अपने गाड़ी में भर के, क्योंकि ये इस जो किराना सामान है उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, मगर इसका एक्सपायरी है। ये अब सड़ने गलने लग गया है, बगल में घर भी है, लोग डांट रहे हैं हमको। शासन पूरी तरह से जो है इनको जो जो सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कुछ कुछ सब्जियां हैं जिनको ड्राई किया जा सकता है, जो बाद में सुखा कर वो बिक सकती हैं और उनका उपयोग किया जा सकता है, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे जहाँ जहाँ स्पेस है उनको टाई अप कराया गया है, ताकि कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे सब्जी तो थोड़े ज़्यादा दिन तक वो चल पाएगी। तो ये एहतियात बढ़ते गए हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आ नहीं रही है, और मेन जो दिक्कत है वो डिमांड। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। स्वराज एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।